दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से हम एमएस वर्ड में शेप्स में लाइन टूल का यूज करना सीखेंगे और उससे हम इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ई बनाएंगे जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, आप एमएस वर्ड का एक नया पेज लें या हम सेकंड पेज पे आते हैं और इसको बिल्कुल सामने रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको तैयार करेंगे। दोस्तों इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको नोट करना है कि यहाँ पर जितनी भी इसकी लाइंस ली गई हैं उनका माप अलग अलग लिखा गया है। तो पहली जो लाइन है वो हमारी 3 है, 3 जो है पॉइंट में है। तो आप क्या करें, सेकंड पेज पे हम इसे बना रहे हैं, यह हमारे लिए क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा पहला पेज। तो सेकेंड पेपर पे हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर हम पहले लाइन लेंगे तो इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ शेप्स में जाएंगे और लाइन टूल पे क्लिक करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद शेप आउटलाइन में जाकर के वेट में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद आप इस लाइन को जब सिलेक्ट करते हैं तो इसके दोनों कॉर्नर पे आपको बबल दिखते हैं, तो इसका अर्थ है ये लाइन सिलेक्टेड है। और जब ये सिलेक्टेड होगी तो आपको एक फॉर्मेट मेनू दिखेगा। फॉर्मेट मेनू जब आप सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में हाइट आ रहा है, यहाँ पर आप 3.34 की बजाय जो वैल्यू करनी वो 3 कर देनी है आपने। फिर इसी लाइन को राइट क्लिक करके कॉपी किया, खाली एरिया में आके पेस्ट किया, इसको आप आगे रख लेंगे। और अब जो हम सेकंड लाइन, हम सबसे पहले वर्टिकल्स लाइन सारी बना रहे हैं तो इसको 1 कर देंगे हम। ये वाली लाइन के लिए हम इसको नंबर दे देंगे 1, ये हो गई हमारे 1 नंबर की। और यहाँ पे 0.33 है तो इसी को हम कॉपी करके एक और बनाते हैं और इसकी हाइट जो है 0.33 कर देंगे। और इस प्रकार जो भी हमारी ऊपर तक की लाइनें हैं, वर्टिकल लाइन है, वो हमने सारी ले ली। अब हम इसके बाद जो अगली लाइंस लेते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो आप क्या करें, इसी लाइन को कॉपी करके एक और बनाएं और इसको यहाँ से आप घुमा करके हॉरिजॉन्टल कर दें। अब यहाँ पर विड्थ में आपने आना है और इसका साइज कर देना 1.67 इस प्रकार से। फिर इसी का एक कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आप माउस बटन से ड्रैग करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और अब इसका जो विड्थ है 1.33 कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है आपकी इसको इसके साथ आप ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पर एरो कीज यूज कर सकते हैं और इसी को कॉपी करके ऊपर रखेंगे, दूसरा बन जाएगा ऊपर का सिरा। इसके बाद जो है यहाँ वाली ये छोटी सी लाइन आप उठा करके यहाँ रखेंगे, उसके बाद इस लाइन को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ से आप इस लाइन को लेंगे और इसको इसके साथ रख देंगे। आप माउस का यूज करें या एरो कीज का यूज करें। इसके बाद इस लाइन को उठा करके यानी कॉपी पेस्ट करके एक और ले लिया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया और उठाया और यहाँ रख दिया। फिर इसके बाद ये लाइन हमें एक और चाहिए तो हमने इसको लिया और यहाँ रख दिया। इसी प्रकार से हमें अब ये लाइन चाहिए तो आप इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर हमें ये लाइन चाहिए इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे, और बहुत आसानी से आप लास्ट में इस लाइन को रख लेंगे, आपने अल्फाबेट ई बना लिया।